मिस अबश, आप कुछ कहना चाहेंगी या मैं फैसला सुनाऊं? मुझे यकीन नहीं आ रहा सर, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये मासूम औरत झूठ बोल रही है? ये मसला झूठ और सच का नहीं है जज साहब, बल्कि ये मसला है कि आप साबित करना चाहती हैं कि औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए आप एक मर्द पर इल्जाम लगाना चाहती हैं। मिस्टर शामिर, मर्द झूठे ही होते हैं, उनको धोखा देने के अलावा आता ही क्या है? ये सरासर इल्जाम है माय लॉर्ड। एक इंसान की वजह से आप सब पर इल्जाम लगाना चाहती हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है जज साहब। जी मिस अबलश, साबित कर सकेंगी आप? मैं सिर्फ ये साबित कर सकती हूँ कि मेरी क्लाइंट को इसी बूढ़े आदमी ने छेड़ा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मुझे एक बात बताइए, आप बताइए चला भाई, एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स, वो बस में बैठा हुआ था, उसके सामने आकर अगर कोई औरत बैठ जाती है और उसको छींक आ जाती है और उसकी बत्ती सी उड़ के उसके मुंह पे जाके लग जाती है, उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? उसमें क्या कसूर है उसका, बताइए मुझे भाई। वो भी सस्ती वाली बत्ती सी जैसा। वैसे फ्लाइंग किसका तो सुना था, ये फ्लाइंग बत्ती सी का केस भी तो बन सकता है ना। दांतों की गुस्ताखी माफ। वैसे ये कैसे साबित होगा कि बत्तीसी इस बूढ़े आदमी की ही थी? सर मेरी क्लाइंट इस बूढ़े आदमी को पहचानती है, आप पूछ लीजिए। आंटी 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 होगी तेरी, तुम्हें मैं आंटी नजर आ रही हूं? अभी तक जवान हूं मैं, जवान। चले आप मुझे ये बताइए कि ये कितनी उम्र है? साहब, जिस औरत को ठीक से नजर नहीं आता वो क्या किसी बेचारे मासूम आदमी पे इल्जाम लगाएगी? कैसे कहते हो कि मुझे नजर नहीं आ रहा? देखो देखो जरा कैसे घूर रहा है मुझे। मुझे पता है कि मुझे किसने छेड़ा है, मुझे इसने छेड़ा है। मतलब मैं? बात तो सुने डैड। कितनी बार समझाया तुम्हें कि कोर्ट में मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है? तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे सॉरी कहना था। लेकिन मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना, हजार बार कह चुका हूं तो वकील नहीं बन सकती। ऑन गॉड सेक, अच्छी सूरत है तुम्हारी, शोबिज में ट्राई करो। वो हम टीवी का महेश मेरा दोस्त है, कहो तो मैं उससे बात करूं। मैं एक वकील हूं और एक कामयाब वकील बन के दिखाऊंगी सबको। तुम्हारी बात भी नहीं सुनती क्या? समझाओ। डैड, मैं तुम्हारे दांत ना तोड़ दूं सारे के सारे। मैंने क्या किया है? सारी गलती उस बुड्ढे की थी। गलती उस डेंटिस्ट की थी जिसने वो सस्ती सी बत्ती सी लगाई थी। डैड की बात मान लो और शादी कर लो, फिर बताओ कब लाऊं बारात? बाहर में गए तुम और तुम्हारी बारात। जब तक अच्छी वकील नहीं बनूंगी नहीं करूंगी शादी। तुम अच्छी वकील कभी भी नहीं बन सकती। मैं तो अब सबको एक बड़ी वकील बन के दिखाऊंगी, सुना तुमने? यार तुम्हें देगा कौन केस? अब बहुत शौक है ना तुम्हें केस जीतने का। अगला केस तुम्हें ऐसा हराऊंगी कि याद रखोगे। अरे मगर तुम्हें केस देगा कौन? बहुत जल्द मिलेगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है ऐलान, जिसका था बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आ गया है वो शाहकार, मेरा प्यारा, मेरा जगनूर और प्रिंस।
पकड़े जाएंगे हैरान। अब क्या कहता है तू सलमान? मेरा लक्त जगल, मेरा प्यारा, वो प्यारे किधर जा रहा है सल्लू? पतंग उड़ाने। तो पतंग कहाँ है? काशी के घर पे ना, काशी के घर पे पतंग। झूठ बोल रहा ना मुझसे? पुत्र, तुझे मैंने कितनी बार कहा है उस टीपू से ना मिलाकर, मुझे नहीं अच्छा लगता। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे चॉकलेट खिलाता है और मैं उसको लंबे लंबे छक्के भी मारता हूँ। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि तू उसके साथ वक्त गुजार। हाँ चल मैं खाना रख लूं, खाना खा के जा। आपको पता है उसके पास इतना अच्छा बकरा भी है। पुत्र बकरे तो सारे ही प्यारे होते हैं। मगर अम्मी सबके पास तो बकरे नहीं होते ना। मेरे पास आजकल पैसे नहीं है ना, तो पैसे आ जाएं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं तेरे लिए बकरा ले आऊं। सच? कल? हाँ हम पूरी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है पुत्र तू खाना खा के जाए। ठीक है मैं आके खाना खा लूंगा। अरे सुल्लू बकरा कहाँ से लाऊं? और ये बन गई चिकन कढ़ाई। लो भाई अब खा के मुझे बताओ कैसी है। वाओ खैर ये तो बहुत मजे का है ना। मगर मॉम को आपके खाने पसंद नहीं थे ना। मॉम मॉम को जब मैं पसंद नहीं था तो मेरे हाथ के खाने कहाँ से पसंद आ सकते थे? पता है तुम्हें शादी के 3 साल तक उसने मुझे किसी रिश्तेदार के साथ मिलने में नहीं दिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि तुम एक अजीब शक्ल के इंसान, अगर मैं तुम्हें मिलवाऊंगी वो क्या सोचेंगे किसके साथ शादी कर ली मैंने। अब तुम बताओ क्या मैं अजीब सी सूरत वाला आदमी हूँ? बिल्कुल नहीं डैड, आप तो अभी भी बहुत हैंडसम है ना। वैसे अगर मेरे माँ बाप मेरी बात मान लेते ना तो शादी तो मैं नाचो से ही करता। डैड नाचो के तो अब तक बच्चे भी हो गए होंगे और वो भी बड़े बड़े। तो इसके बच्चे बड़े हो जाए उसको याद नहीं आ सकती क्या? एक दिन देख लेना उसको मेरी याद जरूर आएगी। डैड मैं देख रही हूँ आपको आजकल नाचो की कुछ ज्यादा याद आ रही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि नाचो और उसकी याद मेरे दिल से कभी ना जाए। ये ले पी ले पी। और दूध का टाइम हो गया तेरे पी पी। ये मैं भी घुमा लूं इसे। किसको? बकरे को। इसका नाम है प्रिंस, प्रिंस सन ऑफ, सन ऑफ प्रिंस ऑफ द प्रिंस। गली के नुक्कड़ तक घुमा के ले आऊंगा। यार सल्लू पुत्र अभी ना दूध के बाद प्रिंस के ना सोने का टाइम। अच्छा फिर ठीक है, जब मेरा बकरा आएगा ना मैं भी नहीं चलाने दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ थल्लू पुत्र ऐसा कर तू ना जाके सो जा, सोएगा तो ख्वाब में जरूर कोई बकरा नजर आएगा। जब मेरा बकरा आएगा ना पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। तो फिर प्रिंस पुत्र सल्लू पुत्र को फिर तोहफा दिया जाए हैं? सल्लू पुत्र जे ते ऐसा हो गया ना तो फिर बजेगा म्यूजिक। ओए बच्चा
चल रहे थे। ये क्या तुम मेरे कमरे में ऐसे घुसते चले आते हो? यार यहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप नाजो के ख्यालात से ही नहीं निकल रहे। शामिर देखो, मैं जब भी घर में अकेला होता हूं ना, नाजो हमेशा मेरे साथ होती है और मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बूढ़ा मर जाऊंगा। यार आपकी बेटी शादी के लिए तैयार ही नहीं होके दे रही है। तो एक काम करो, केस हार जाओ। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये काम नहीं हो सकता, मैं केस नहीं हार सकता किसी भी सूरत। ये तो है। तो फिर एक काम और हो सकता है, बुढ़ापे में अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जानते हो अब रश एक जिद्दी लड़की है, जब तक केस जीतेगी नहीं शादी नहीं करेगी। सॉरी ना जो देर हो गई, वो तुझे तो पता ही है कि प्रिंस मेरे कंधे पे सड़क के सोता है ना। कौन? वो है मेरा पकड़ा प्रिंस। तू शुरू से पेंडू पेस्ट्री था, आज भी बिल्कुल पेंडू है तू। और तू जैसे बड़ी हाईफाई है, अब मैंने क्या किए? एक बकरा क्या ले लिया, पूरे मोहल्ले में गाता फिर रहा है उसके बारे में। ओए प्रिंस मेरी जान है। हाय हाय हाय, एक दिन में वो तेरी जान भी मान गया, माशाल्लाह। ओए तुझे क्या पता किन लाडों से पाला है प्रिंस को मैंने। बस ये छोड़, ये बता ये सल्लू का कहता फेड़ है। क्या कह रहा है? इस साल तू बकरा ले रही है? उसने तुझे भी बता दिया? ला मुझे क्या, पूरे मोहल्ले में गाता फेड़ा है शाम से। क्या करूं मैं, 5,000 रुपये है ना मेरे कोल, 5,000 का बकरा ले लांगे। ओए 5,000 का बकरा? अब मेरा प्रिंस तो 35,000 रुपये का है। इतना जो बकरा तो 35,000 का? और मेरे प्रिंस के बारे में ना कुछ बोली? अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, मैं सल्लू को जाके बता रही हूँ कि हम पकड़ा नहीं ले सकते, मैं चलनी है। सुन वैसे अगर तू चाहे तो कुछ हो सकता है। तू बाज नहीं आना है? मैंने क्या गलत बात की है? शादी करना चाहता हूँ तेरे से, बोलो तो कल अम्मा को भेजता हूँ रिश्ता लेके, इसमें गलत बात है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि 10 साल के बच्चे की माँ मोहब्बत की शादी कर रही है? ओ बाढ़ में गए मोहल्ले वाले, 10 साल के बच्चे की माँ 9 साल से बेवा है और इस 10 साल के बच्चे की माँ से बचपन से मोहब्बत करता हूँ मैं। ए गल दुनिया नू ना ही पता चले ते बेहतर है। शादी तो मैंने तेरे से ही करनी है, चाहे तेरा बच्चा 22 साल का भी हो जाए। गाल सुन। क्या है? एक काम तो कर मेरे लिए, करेगा ना? बोलो। ये जमा तो करा दे। बाप इतने प्यार से बात करती हो ना, वो तो जान भी दे देगा टीपू। चल फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक। इतना ज़्यादा
सल्लू पुत्र, उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं तेरा नाश्ता तैयार कर रही हूं। शाबाश। हाँ पुत्र। अम्मी आपने कहा था आज आप बकरा लेके आएंगी। मैं ना तुझे कहने की ये कोशिश कर रही थी कि वो, यानी हम उसे झूठ बोलना चाह रही थी। नहीं पुत्र, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं तुम्हें ना, तुम समझने की कोशिश। मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैंने पूरे मोहल्ले में सबको बता दिया था कि मेरा बकरा आने वाला है। आप मेरा बकरा नहीं लाई ना, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो तुझे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने तेरा बकरा ले लिया, वो देख। कैसे है ये? थोड़ा अजीब सा नहीं है? ले, शुरू में तो सारे बकरे ऐसे ही होते हैं ना। मगर मैं बाहर के लोगों को कैसे दिखाऊंगा? आप उत्तर, तूने इसको बाहर ही लेके जाना। अगर तू इसको बाहर लेके जाएगा ना तो ये बड़ा नहीं होगा। बस तूने दुआ करनी है कि ये बड़ा हो जाए। लेकिन मुझे तो चलाना था, ये चलेगा कैसे? सलू तू दुआ कर ये बड़ा हो जाए, इसमें जान आ जाए, ये चलना फिरना शुरू कर दे, तो फिर हम दोनों इसको बाहर लेके जाएंगे, सड़कों पे सबको दिखाएंगे, घुमाएंगे, फिर आएंगे तेरे प्यारे बकरे को। लेकिन गाल सुन, तूने मुझे एक वादा करना है, तूने ना अभी इसको अंदर अपने कमरे में ही रखना है, बाहर नहीं लेके जाना। सही है, नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा पुत्र, अब तू जा अपने कमरे में, इसके साथ जाके तू बैठ और तू मुंह हाथ धो ले जाके, हैं? वाह वाह वाह, ऊपर इंच ठहर जा। सलू चेक किया प्रिंस, क्या लश्कारे मार, खाता क्या ये? घास खाता है। मुझे भी चाहिए घास। बच्चे घास ही नहीं खाते। बकरी के बच्चे को खिलानी है घास। बकरी का बच्चा? कहाँ? घर में, अम्मी लाई थी कल। अड़े में कहाँ? मेरे कमरे में, मैंने कहा था ना बकरा जरूर आएगा। कितना छोटा? इतना है। इतना छोटा? क्या बकरे श्रिंक हो गए? घास सुनी दूध पी, ऐसा करो बाहर ले आओ। नहीं अम्मी ने मना किया है, अगर बाहर लेके जाऊंगा तो मर जाएगा। अरे तुम्हारी अम्मा को क्या पता, बकरी का बच्चा है, दूध पिएगा बड़ा हो जाएगा, हैं? निकलो। डिंग 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 डिंग, कमाल है। आजकल बकरे के बच्चे भी शाशे में आते हैं, हैं? <अकड़ाक। laughs> पुराना कार ते खाब तेरे शैनी शैनी है ना जो बेगम, कोस भी जा। हाय मेहरबान कदरदान साहिबान, अभी आप देखने लगे हैं बेहतरीन शाकार सल्लू का बकरा। ये रहा मेरा बकरा सल्लू। ये बकरा अम्मी ने कहा ये बड़ा हो जाएगा। हाय 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 सल्लू, कितना तुम मैनू तंग करना है।
बेवा की हो गई, सारा बोझ आप पे चुकना पै रहा है। हाय अल्लाह जी। नादरीन तुनिये तुनिये तुनिये, सल्लू की अम्मा ने कहा है कि सल्लू का बकड़ा बड़ा होकर असली हो जाएगा। वाह वाह वाह। टीपू दसनिया मैं तन्नू, सल्लू तेरा बकड़ा खाता क्या है नकली घास? तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे को रुला रहे? अब मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। छोटे से बच्चे से झूठ बोल रही है, क्यों नहीं बता रही थी कि ये बकरा नकली है और तू बकरा खा रहा है? मेरा तुझसे शादी ना करने का फैसला बिल्कुल ठीक था। अरे नजो, नाराज क्यों हो गई है? कल गुस्सा थूक देना, चल जाने दे। क्यों? तूने होर जलील करना मेरे पुत्र को? नहीं नहीं, मैं क्यों जलील करूंगा इस चांद से बेटे को? हैं मेरी मिली चुप करते दफा हो तो। अरे चल जल्लू पुत्र, चल इधर रुक जा। अरे 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 थोड़ी देर तो रुक जा। अरे देख मेरी ऑफर भी वैलिड है, मैं भी तेरा तो प्रिंस भी तेरा, शादी कर ले। नज्जो सल्लू, नहीं बात कर रहा मैं आपसे। सल्लू नहीं बात कर रहा मैं आपसे, आप झूठी हैं। मैं झूठ नहीं बोला सल्लू, मैं तो ये, का फीस। ये है आपका बकरा, देखे इसका तो खून भी नहीं निकल रहा। टीपू सही बोला था, आप झूठी हैं। ये कहा उसने? तो उसने कुछ गलत नहीं कहा था, आप झूठी हैं और आप झूठी हैं। मैंने तो प्रिंस, प्रिंस खाना खा ले, प्रिंस प्रिंस कमजोर हो जाएगा तू। ओ मेरा लख्त जिगड़, मेरा दोस्त आया, बड़ा भाई, बड़ा भाई। कैसे? अब तू मुझसे हर बार ऐसे मिलता है जैसे मैं पहली बार मिला, परसों तो मिला था। और तू मुझे जब भी मिलता तेरा मुंह ऐसे लटका हुआ होता है, क्या हुआ? केस हार गया? तो लगता तेरा भाई कभी कोई केस हारा है। तो फिर टेंशन क्या है? खुश रहकर देख, मुझे हर वक्त खुश रहता हूँ। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि जो मेरी वकालत है ना, वो शादी कभी नहीं होनी चाहिए। ये मसला तो जड़ भी है। अब तू देख मेरे पास शादी का सारा सामान, तो मेरे किसी काम का नहीं। देखो तेरी ट्रेजेडी एक तरफ, पर शादी का सामान तो मेरे पास भी है, किसी काम का नहीं है। अब देख, वो कहती है कि जब तक वो कोई केस नहीं जीत जाती, साबित नहीं कर देती कि वो एक अच्छी वकील है, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। अगर नाजो ने मेरे साथ ये शर्त लगाई होती ना, और मैं वकील होता, तो मैं जानबूझ के उससे केस हार जाता और उसको जीत लेता। कैसा मेरे दोस्त? मोहब्बत जीत ले और सब कुछ हार जा। सल्लू ओ मेरी जान, चल खाना खा ले, तूने इतने घंटों से कुछ भी नहीं खाया। नहीं मुझे भूख नहीं है, आपने बकरा बाहर ले जाने से मुझे इसलिए मना किया था ताकि सबको पता ना चल जाए ये नकली बकरा है। सल्लू मेरी जान, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्या करती मैं? जब ये असली बकरा ही नहीं है तो इसका क्या काम? हाय सल्लू, तू दुआ कर कि मेरे पास इतने पैसे आ जाए अगले साल कि हम असली बकरा ले सके, तू दुआ कर ना। ऐसा नहीं होता। चल एक निवाला तो खा ले, एक निवाला छोटा सा खा ले, चल शाबाश। कुछ नहीं खाना। मैं तो डाड़ी गया था कि तू आ जाएगी नहीं। तूने आज जो हरकत की है ना, मुझे दिल से इतना गुस्सा आया तुझ पर, वादा कर लिया था कि तेरी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। छाना ना जो गुस्सा थूक दे, और मैं क्या करता, वो बकरा देखकर मेरा हासा ही निकल गया। तेरा हासा निकल गया था? तूने ये नहीं सोचा कि थोड़ी देर के लिए बकरा चलो बच्चे को दे दो? नहीं, लेकिन तूने उस मासूम पे हासा तेरा निकल गया है, जानते हुए भी कि मुझे पैसों की कितनी तंगी है। मैंने तो बकरा देने की ऑफर दी थी तुझे, तू ही नहीं मानी।
सुना जो देख मान जा, वो अगर तू मान जाएगी तो मैं भी टेढ़ा और प्रिंस भी टेढ़ा। अजीब नहीं लगेगा? किसको अजीब लगेगा, बाढ़ में जाए जिनको अजीब लगेगा। और वैसे भी हम शादी कर रहे हैं, कौन सा कुछ गलत काम कर रहे हैं। अच्छा फिर मेरी एक शर्त है, तूने मेरा एक काम करना होगा। वो सारी शर्तें मंजूर, सब काम कर देंगे। बताती हूँ, सल्लू तू उठा अभी तक? उठ जा, सारा कमरा फैलाया हुआ है, रात को अपनी कापियां पैक करके सोया कर। चल शाबाश, जल्दी जा। ये तो टीपू भाई का बकरा है। मेरा बकरा। नहीं बेटा, ये टीपू भाई का प्रिंस है। जी नहीं, मैं रात को दुआ मांग के सोया था, अल्लाह ताला ने मेरे नकली बकरे को असली बकरा बना दिया। टीपू भाई ये आपका प्रिंस है ना? प्रिंस? ये मेरा प्रिंस नहीं है। देखा कहा था ना, और ये रस्सी मैंने अपने बकरे को बांधी थी। हाँ, मेरा प्रिंस तो अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या कह रहे हो टीपू भाई? सही कह रहा हूँ, शायद अल्लाह ने मेरे गुरूर की सजा इसी तरह ही दी है मुझे। इस बच्चे के नकली पकड़े को असली पकड़ा बना दिया और मेरा प्रिंस ले लिया। देख सल्लू, इसका नाम प्रिंस ही रहने देना। चलो आ जाओ प्रिंस। कोई न्यूज चैनल ही लगा दो, बहुत बोरियत हो गई है। क्या डैड, सारा दिन आप न्यूज देखते हैं और कोर्ट में केसेस लड़ते रहते हैं, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। बेटा हमारी तो यही लाइफ है, इसीलिए कहता हूं तुम कभी अच्छी वकील नहीं बन सकती। एक काम करो, शादी करो, सेटल हो जाओ। भाई शादी की बात हो रही है और हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? डैड मैंने आपको कह दिया ना कि मैं जब तक कोई केस नहीं जीतती मैं शादी नहीं करूंगी। इसका मतलब है तो कभी शादी नहीं करेगी? You naughty. अभी तो मैंने सिर्फ शर्त रखी है, ये भी हो सकता है कि मैं शर्त हटा दूं और बोल दूं कि मैंने शादी करनी नहीं। फिर अंकल देख रहे हैं शाम में किस किस्म के अल्फाज निकाले अपने मुंह से। अब बेटा शादी तो तुम्हें देखो करना ही पड़ेगी, वो तो जरूरी है।
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी शर्त के चक्कर में तुम लोग शादी जब करोगे जब बूढ़े हो चुके होंगे। तुमसे तो बात अब कोर्ट में ही होगी। देख रहे हैं आप इसको, बिना वजह कोर्ट में घसीटे भी तो शादी भी नहीं हुई। बस बेटा मोहब्बत जीती ऐसी है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी। क्या पहनाव है? ये शेरवानी मैंने आज से 10 साल पहले सिलवाई थी आज के दिन के लिए। अच्छा वाजी वाह, तो फिर तू शादी कब कर रहा है? जब तू कहे। मैं तो कहती हूँ काल ही कर ले। सच्ची? हाँ लेकिन 10 कुड़ी कौन है? तू ही तो है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू ये कैसी बातें कह रही है? हाय हाय हाय, तुझे ना बात नहीं समझ आ रही। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तू शादी किससे कर रहा है? तुमने तो कहा था कि अगर मैं अपना प्रिंस सल्लू को दे दूंगा तो तू मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देगी। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुमसे शादी करूंगी? ये जो टीपू है ना, इसका बकरा मर गया, हमें सबको पता है इस बात का, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैं अपना बकरा इसे दे दूं। और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे और मेरे छोटे पुत्र सल्लू को, इसको दे दूं मैं अपना बकरा। क्यों दूं भाई, क्यों दूं अपना बकरा? इसने मेरे पे कोई एहसान किया है? ये मर्द जो है ना, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हाँ ब्लैकमेलर। ऐसे बेइज्जत किया था तूने मेरे बच्चे को, रुलाया था उसको, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? ये सब कुछ सब बदला लेने के लिए? हाँ बदला लेने के लिए किया। आज के बाद तो किसी मासूम बच्चे को तंग नहीं करेगा, समझ आई? आप एक नया बकरा ले लेना, आपको भी दिल लग जाएगा। ये मेरा प्रिंस है, वापस करो मुझे। ये आपका प्रिंस नहीं, मेरा प्रिंस है। मैं कहता हूँ ये मेरा प्रिंस है, लाओ मुझे दो। आप लोग देख नहीं रहे क्या बोल रहे हैं ये? टीपू भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों बच्चे को तंग कर? ए तू कौन है, चल जा अपना काम कर, वापस आओ। बहुत धोखेबाज हो तुम लोग, धोखे से मेरा प्रिंस छीना तुमने। प्रिंस से पूछो, प्रिंस बताएं ने, तू मेरा प्रिंस है ना? लगता है टीपू भाई के दिमाग पे असर हुआ है बकरे की मौत का, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं। अरे ये कैसी गंदी रस्सी बांधी हुई है प्रिंस को। हैं? क्या करो, क्या करो, काले जा रहे हो? अरे काले जा रहे हो सल्लू। अच्छा और फिर
वहां पर क्या होना था, वो दोनों उसको उठा के लेकर बेचारा चीख दे रहा, मेरा प्रिंस मेरा प्रिंस। वैसे सल्लू तू ना प्रिंस को ना बाहर ना लेकर जाए, मुझे डर है कि कोई उसको छीन ना ले। अब वो नहीं छीनेगा, अगर उसने छीना ना तो कोई उसको वापसी से उठा के डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन तू उसको ना बाहर ना लेकर जाए, ठीक है? बेचारा। कितना छिछोरा है ना टीपू। देखो हमारा कितना प्यारा है ये प्रिंस, हमारा प्यारा प्रिंस, हमारा प्यारा प्रिंस, और वो टीपू कितना चीप है ना। टीपू को तो ख्वाबों में भी ऐसा प्रिंस नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है ना? हाँ। और ये तो मेरा प्रिंस है और टीपू का नहीं। सुनिए, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही थी? वो मुझे लगा कि मैं आपको पहचान गई हूँ, टीपू का फ्रेंड है ना वकील साहब। हाँ हाँ मैं ही हूँ वकील जी, शामिर। आए 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 बेचारा टीपू, पता नहीं क्या हो गया उसे, उसका बकरा प्रिंस। क्या प्रिंस को क्या हो गया? मर गया। मर गया? हाँ मर गया उसका प्रिंस, और टीपू से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। आप उसकी फ्रेंड हैं, आप उसकी हेल्प करें, तबीयत नहीं ठीक उसकी, चलती हूँ मैं। प्रिंस मर गया? टीपू, ओ टीपू, वेट टीप, टीपू उठ, ओ टीपू, अबे टीपू, प्रिंस, 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 अबे क्या हो गया, क्या हुआ, तू कब आया? मैं तो कब से आया हूँ, तुझे क्या हो गया भाई? ओ मैं लुट गया, ओ मैं बर्बाद हो गया, ओए उन फ्रॉडियों ने मुझे झांसा देकर प्रिंस चोरी कर लिया। अबे किसने ले लिया, क्या हो गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सल्लू तुझे मैं बकरा इसलिए नहीं लेके दे रही थी, मुझे यही डर था सारी रात तू उस बकरे के साथ खेलता रहेगा, स्कूल नहीं जाना तूने। अम्मी अगर मैं स्कूल चले जाऊंगा तो टीपू भाई आके से ले जाएंगे। ले किसी की मजाल है मेरे यहाँ होते हुए, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे चूतर बाहर निकलो। ये कौन आ गया? कहाँ मेरा प्रिंस? प्रिंस मेरे पुत्र का नाम सल्लू है, सल्लू। हाँ सल्लू, तुझसे कोई मिलने आया है। मैं पढ़ने प्रिंस, मेरा पकड़ा। तेरा पकड़ा प्रिंस, जिसके बारे में तू मल्ले में कहता जा रहा था कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। देख रहा है, तू देख रहा है कितना झूठ बोल रही है ये औरत। मैं कोई झूठ मूठ नहीं बोल रही, जाके खुद तसल्ली कर ले, जा। सब जानता हूँ मैं तेरी हरकतें, सेट जा, हटो। ये देख, ये बेटी, ये मेरा प्रिंस, ये रहा।
सही सलामत। हाय 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 हाय, ये वाकई बहुत मोहब्बत करता था ना अपने प्रिंस से। नाटक बंद करो, ये मेरा प्रिंस है मेरा, और मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। ओ देख मेरा परा, अगर इनको इस बकरे के ले जाने से दिल्ली तसल्ली हो रही है तो ले जाने दे। नहीं अम्मी, ये तो मेरा प्रिंस है। ना पुत्र, तू देख सकता है ना अंकल की तबीयत नहीं ठीक। मैं सब देख रहा हूँ तुम दोनों की हरकतें। ये मेरा प्रिंस है मेरा, और मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। नहीं रुक जाओ, इसमें टीपू, ये बकरा इनका ही है। तो क्या कह रहा है तू? वही मैंने तुझे प्रिंस सिखाया था, ये देख, यही है वो प्रिंस। टीपू देखो, सारे बकरे एक जैसे होते हैं। तुम्हारे घर आने से पहले मुझे मोहल्ले वालों ने बता दिया था बकरा मरने का तुम्हारे सहन पे काफी असर पड़ा। तो चलो, और तू किस तरह का वकील है? और मैंने तुझे अपनी मदद के लिए बुलाया था, नजर नहीं आ रहा ये मेरा प्रिंस है। मैं आपसे बहुत माजर खाऊं, ये प्रिंस आपके लिए। और तुम चलो मेरे साथ। ओए तू कैसा दोस्त है, मेरी मदद के लिए आया था तू उसकी साइड ले रहा है? तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। हाय एक तो नजो सब ते पारी। ये अंदर क्या किया तुमने? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? देख टिपू, मैं तेरी दिमागी हालत ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तू रिलैक्स कर। मुझे कुछ नहीं पता, उस औरत ने मेरे साथ धोखा किया है, मोहब्बत का नाटक खेला उसने मेरे साथ, और इसीलिए अब तू उससे बदला लेना चाहता है। वाह, ये तो हैरत है, तुम आज तक कोई केस क्यों नहीं हारे? सच और झूठ का कोई फर्क ही नहीं है तुम्हें। टिपू ये कोई कोर्ट नहीं है, और मेरे सामने कोई मुंसिफ नहीं बैठा जो फैसला करेगा। उसकी मासूम शक्ल देख कौन कहेगा कि वो कुछ चोर नहीं है? और दूसरी बात, तूने पूरे मोहल्ले के सामने कहा था कि तेरा बकरा मर गया है। हाँ कहा था मैंने, मोहब्बत करता था उससे, अपनी मोहब्बत में मैंने अपना बकरा कुर्बान किया है, और उसने अपने बच्चे की खातिर मुझे धोखा दिया है। तेरी बात सुन, जाने दे बे, तू नया बकरा ले लेना यार टीपू, क्या हो गया? नहीं मुझे मेरा प्रिंस ही चाहिए, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नाथू पे केस करना चाहता हूं। बता, लड़ेगा तू मेरा केस? तेरा दिमाग खराब हो गया, अब मेरे लिए बकरे रह गए केस लड़ने के लिए? चोरी, चोरी की है उसने, धोखा दिया है उसने मुझे। टीपू तू केस हार जाएगा, मैं बता रहा हूं, ना करिए। बात की बात, पहले तू बता, तू मेरा केस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तुझे तेरे ससुर की कसम। जानता हूं ये बात आप मुझसे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रिंस मर चुका है। लेकिन ये मैंने क्यों कहा था? किसके कहने पे कहा था? ये सब मैं कोर्ट में बताऊंगा। केस फाइल हो चुका है और पुलिस कभी भी आती होगी। अरे बजाओ। अरे
देख प्रिंस, घबराना नहीं है तुम्हें, मैं तुझे ना निकालूंगा थाने से। जब तक केस चल रहा है तब तक अच्छे बच्चों की तरह तूने थाने में रहना है। घबराना नहीं, मैं तुझे छुड़वाऊंगा, मेरा वादा है तुझसे। बहादुरा बहादुर, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये कहानी है एक बकरे की चोरी की। ये वाकया है एक इंसान के जज्बात से खेलने का। ये मसला है हमारे पूरे माशरे का। ये केस है। ओ हेलो, क्यों वो एक्टिंग कर रहे हो? इतनी लंबी बात कौन खींचता है? पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे वो बात करो जो करने वाली है। साहब, मैं अपने मौकिल को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। बुलाइए। जी जनाब, आप बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था? क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवरहोल्ड। जी तो क्या कह रहे थे आप? मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपने कभी मोहब्बत की है? क्या अपना दिल कभी किसी को दिया है? क्या कभी किसी के पीछे रोए हैं? मैंने किया ये सब कुछ, मैंने दिल दिया है, मैं रोया हूं, अब बदले में मिला क्या? धोखा? वो क्या कुछ नहीं किया, धक्के खाए, गालियां सुनी मोहल्ले वालों की, घर वालों की, जब सारा कसूर ही मेरा है। कोई कुछ कर भी क्या सकता है? मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। और मोहब्बत जी, मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। सर साहब, मुझे लगता है कि सच साबित हो गया। अब इस केस में कोई खास जान बची नहीं है। ये बकरा मेरे मौकिल टीपू का है। अब आप बस अपना फैसला सुना दीजिए। फैसला सबूत और सच्चाई की बुनियाद पर होता है मिस्टर शामिर, जज्बात की दुकान लगाकर नहीं। और मेरी दरख्वास्त है कि मेरी मौकिला की भी बात जरूर सुनी जाए, प्लीज। मेरे ख्याल है कि कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन सुनने में हर्ज क्या है? क्यों, बुलाइए। यस सर। मिस नाजिया, सल्लू और प्रिंस को पेश किया जाए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सरफराज साहब की तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या होगा? होना क्या है, अगली समाअत का इंतजार होगा और क्या। तो फिक्र ना कर यार, तेरे भाई को वैसे भी हारने की आदत नहीं है, जीतेंगे हम लोग। मेरी अम्मी कहाँ हैं?
कहाँ चली गई थी तुम? मैं चली गई थी ना कतर। आपको तो पता है ना मेरे घर वाले वो चाहते थे कि मेरी उम्र के आदमी से शादी हो। तो फिर नजो तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया? पता है सायरा की मौत के बाद तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। कैंसर हो गया था उसे। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन आप माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए हैं। जानती हो ये सब तुम्हारी मोहब्बत की करामत है। और तुम्हारी जो वकील है ना अब्रश, मेरी बेटी है। हाय अल्लाह माशाल्लाह, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। तो आपने उसकी शादी का नहीं सोचा? अब तो करना पड़ेगी। अब उसकी शादी होगी तो फिर सरफराज वो बकरा मेरा ही है। मैं सच कहंदी पईयां हैं। जानता हूं नचो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं फैसला सच्चाई और सबूतों की बुनियाद पे करूंगा कि प्रिंस तुम्हारा है या टीपू का। ठीक है? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। डैड कहाँ थे आप? कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। डैड सच सच बताएं, आपने आज केस मुलतवी क्यों किया? कहा ना तबीयत ठीक नहीं थी। खैरियत है, हुआ क्या है? क्या हुआ है तुम पूछ रही हो? क्या हुआ? जिस मर्द की जवान बेटी ये शर्त रखी अपने बाप से कि जब तक केस नहीं जीतूंगी शादी नहीं करूंगी, वो बेचारा क्या करे? डैड ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती या मुझे कोई प्रॉब्लम है शामिर से। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। और बेटा आपको पता है मैं आपके लिए कितना परेशान हूँ? अंदाजा है आपको? अगर इंसाफ का तकाजा ना होता ना तो मैं आपको केस जितवा देता सिर्फ इसलिए कि आप शादी के लिए यहाँ करते। आई नो डैड, मैं जानती हूँ। आज तक आपने हर फैसला ईमानदारी से हक और सच की बुनियाद पर किया है, और मैं भी ये केस कोई ऐसे ही नहीं जीतना चाहती, मेहनत करना चाहती हूँ। पिता आप चाहो तो आपकी मदद कर सकता हूँ मैं। मदद कैसे? सबूत इकट्ठा करने। पिता मैं तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। हेलो, जी मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। सर मैं आपके सामने अपनी मौकला नाजिया को पेश करना चाहूंगी। जरूर बुलाएं, जरूर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये टीपू झूठ बोल रहा है, ये बकरा मैंने आज से दो दिन पहले खरीदा था। साहब ये बकरा मेरा है, ये झूठ बोल रही है, ये औरत झूठी है, ये बकरा मेरा है। मैं नहीं झूठ बोल रही, ये झूठ बोल रहा है। यकीन करें ये बकरा मैंने खरीदा था अपने बच्चे के लिए। और तू चल, और ये बकरा मेरा है, और तू बता, और तू जब साहब को बता, और ये बकरा मेरा है। ये बकरा मेरा है, ये प्रिंस है, प्रिंस ही प्रिंस का है, और मेरा है ये बकरा। अरे अरे ओ हेलो, क्या है ये? गोट है, वो खातून है, बात करने दो, उसके बाद तुम बात कर लेना। ठीक है जी, आप बताएं क्या कर रही थी आप? सर आप खुद देखें इस मासूम बकरे की शक्ल, लगता है कि ये शख्स का बकरा है, है? वाकई बकरा तो बहुत मासूम है। सर इस आदमी ने मेरी मौकला पे गलत इल्जाम लगाया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
ओवर रूल्ड। थैंक यू सर। जैसा कि मैं कहती आई हूँ कि मर्द हमेशा से ही औरत पर इल्जाम लगाता आया है और उसको सॉफ्ट टारगेट समझता आया है और ये मर्द ही होता है जिसने औरत की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। जब देखो जहां देखो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। और मिस्टर ये बकरा मुझे कहीं से भी तुम्हारा नहीं लगता। इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो तुम में मौजूद हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। और बताएं मिस्टर जी क्या कह रही थी आप? अब ऐसा है कि फैसला महफूज कर लिया गया है, कल सुनाया जाएगा। सर सर तो मेरी बात तो सुने, वो जो औरत थी वो मुसलसल झूठ बोली जा रही थी। तुम बात सुनो, झूठ और सच का फैसला करेगा कौन? मैं या तू? जज कौन है? तो फैसला कौन करेगा? मगर डैडी ये तो बता दे आपने पेपर में लिखा क्या? तो आपको कल पता चलेगा। हाँ लेकिन कुछ सॉफ्ट सिग्नल तो दे। शादी की तैयारी करो। यस। सरफराज मैंने जो कुछ भी कहा ना सच बोला। एक सच मैं भी बताऊं, तुमने जो कुछ भी कहा था मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सुना था। क्योंकि मैं तो उन लम्हों में खो गया था जब पहली बार मैंने तुमको देखा। तो आपने क्या सोचा? अब मेरा मतलब है कि नहीं बोल। क्या पूछना चाहते? कैसा लगा था जब आपने मुझे पहली बार देखा था? सच बताऊं? बताएं ना। मुझे ऐसा लगा जैसे नई जिंदगी मिल गई। शामिल तुमने नोट किया आज हुआ क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड कि सब क्या चल रहा है। लेकिन तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम केस जीत रही हो आखिरकार। क्यों तुम खुश नहीं हो? क्योंकि अगर मैं केस जीत गई तो हमारी शादी हो जाएगी, है ना? मैं शादी के लिए केस नहीं हार सकता। What do you mean? मैं भी कोई ऐसा केस नहीं जीतना चाहती जिसमें मुझे कुछ ना करना पड़े। यानी कि तुम्हें भी लगता है कि दाल में कुछ काला है? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है शामिर। डैड तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं कोई केस जीतूं। क्या चल रहा है ये सब? दो दिन पहले तुम्हें पता है उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश भी की और इस बारे में बात भी कर रहे थे। वो देखो, वो देखो। ये तो डैड की गर्लफ्रेंड है ना जो पहले थी। तो ये है तुम्हारे डैड का इंसान? चले। मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरे लिए मिठाई लेकर बैठी होगी। और मैं समझ रही थी कि आप मेरे लिए मिठाई लेकर आएंगे। मतलब खाना खाएंगे? खाना तो मैं खा चुका।
अगर आप तो बाहर खाना नहीं खाते ना? हाँ नहीं खाता, लेकिन वो दरअसल एक दोस्त आया हुआ था ना, तो उसके साथ मसरूफ था, खाना भी उसके साथ खा लिया। दोस्त? ये दोस्त नहीं, क्या 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 मतलब? मतलब कि अब सब समझ में आ रहा है कि ये केस अब्रेश के हक में क्यों जा रहा है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस वो नाजो। ओ, तो ये वही नाजो है जिसने मेरी माँ की जिंदगी हराम की हुई थी? नहीं, क्या 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 कहना चाह रही हो? देखें डैड, जो ये केस वैसे भी नहीं जीतना, शादी में शामिर से ही करूंगी, मैं तो सिर्फ उसे तंग कर रही थी, लेकिन आप इस केस का फैसला इंसाफ की बुनियाद पे करेंगे। बात सुनो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, फैसला महफूज कर चुका हूं मैं, समझ आई? क्या हेलो, मैं केस हारना चाहता हूँ जी। कौन? टीपू बोल रहा हूँ। टीपू? कौन टीपू? तुम्हें अंदाजा है कि डायरेक्ट कॉल करने के चक्कर में तुम्हें एक मिनट में गिरफ्तार करवा सकता हूँ मैं? एक मोहब्बत करने वाला शख्स ना जी, फौरन अंदाजा लगा लेता है कि उसकी मोहब्बत से और कौन मोहब्बत करता है। मैं जानता हूं जी, आप वही हैं जिनसे मेरी नाचो, मेरा मतलब नाजिया जी शादी करने की ख्वाहिश करती हैं। आपको देखकर बहुत बहुत खुश होती हैं, मैं भी खुश रह लूंगा, उनके बगैर आपके अंकब शादी करना, बड़ी मोहब्बत को हासिल करना, मैंने कभी के इंतजार की शादी का सोचा ही नहीं। उसे ही कहती थी जी प्रिंस। प्रिंस नहीं खाई, हेलो हेलो, मैं टीपू, मिस्टर टीपू आपने मजीद कुछ कहना? मैं कुछ कहना चाहता हूं जज साहब। कहिए। दरअसल इस सारे मामले में किसी की गलती नहीं है, ना इनकी ना आपकी, किसी की नहीं। मुझे जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो ये समाज है।
जो दो मोहब्बत करने वालों को कभी भी खुश नहीं देख सकता, जो अपनी अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान होते रहते हैं हर रोज, कुछ नहीं कहते। जी पूरी दुनिया जानती है प्रिंस मेरा पकड़ा है, मगर वो तक मैंने इनके लिए कुर्बान कर दिया। जी इन आखिर में मिला क्या? अगर आज सबके सामने नज्जो, मेरा मतलब नाजिया जी सबके सामने कड़ाड़ कर ले कि प्रिंस बेड़ा पकड़ा है, तो कसम अपनी मोहब्बत की इस तरह के हजार प्रिंस कुर्बान कर दूंगा आपके। जी सर गलती मेरी भी नहीं है, ये तो हमारे माशरे का तसव्वुर है कि औरत को हर हाल में मर्द की जरूरत है। मैं बेवा हो गई, बच्चा हो गया, पर फिर भी सर इस माशरे ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया सर, और मैं करती भी क्या, ना मेरे घर में शोहर ना वालिद, कहाँ जाती मैं? मोहब्बत तो हो गई थी मुझे, पर हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं किसी को पता लग गया कि एक बेवा को मोहब्बत हो गई है, तो आपको तो पता ही किस किस्म के माशरे में हम रहते हैं। ये बकरा टीपू का है और टीपू ही इसका मालिक है। हाँ मैं बेवा हूँ, लेकिन मैं माँ भी हूँ। जो कुछ मैंने किया अपने इस पुत्र की खातिर किया, लेकिन सर आज मैं आपसे अपील करती हूँ कि धोखे के मामले में मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि मुझे प्रिंस नहीं चाहिए। प्रिंस मुझे भी नहीं चाहिए, प्रिंस मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर कहता हूं कि प्रिंस किसी को भी नहीं चाहिए। अदालत हुक्म देती है कि प्रिंस को टीपू के हवाले किया जाए और नाजिया को झूठ बोलने की पादाश में 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। टीपू और नाजिया ने जो कुछ भी किया उसका असल जिम्मेदार हमारा माशरे है, जिसने कुर्बानी जैसे अजीम जज्बे को सिर्फ दिखावे की हद तक महदूद करके रख दिया है, और दूसरे लोगों के दिलो जहन में भी सिर्फ दिखावा ही आके रख दिया। कौन बदलेगा, कौन बदलेगा इस दिखावे को? मैं, आप नहीं, हम सब मिलकर बदलेंगे। कोर्ट इज एडजर्न्ड। यार दे देखो नाजिया, वो मोहब्बत करता है तुमसे। टप टप गलियां अच्छी तरह जानती हूँ। तो फिर क्या हुआ? मुझे दुनिया से डर लगता है सरफराज, मेरा बच्चा भी है। देखो नाचो, मैं अपनी काफी लंबी उम्र गुजार चुका हूँ और मैं अपनी की शादी के बजाय अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि एक मोहब्बत करने वाला शख्स तुमसे दूर हो जाए। बात को समझो, तुम बेवा हो तो क्या होगा? शादी हो सकती है तुम्हारी, दुनिया की परवाह मत करो, टीपू से निकाह कर लो। ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे। नाल क्यों लाया खिया।
अदालत में जज साहब ने एक फैसला दिया कि प्रेस मेरा बकरा नहीं है और मैं इस बात को मानती हूं कि मैंने टीपू को धोखा दिया। बल्कि आप ये समझ लें कि मैं इसको तंग कर रही थी जैसे ये मुझे तंग करता था। आज मैं टीपू से एक सवाल करना चाहती हूं आप सबके सामने, और मेरा सवाल ये है कि क्या ये मुझसे शादी करेगा? ओ बोलो, कबूल है? ہزار دفعہ قبول ہے، لکھ دفعہ قبول ہے۔ اوئے بجاؤ، اور زور سے بجاؤ، اور شادی کا ٹیون بجاؤ۔ पता नहीं आज केस जीत के भी मुझे वो खुशी नहीं हुई है और आज पहली दफा केस हार कर मुझे अफसोस नहीं हुआ। तुम्हारी शर्त? कोई शर्त नहीं है शामिल, मैं तुमसे शादी करूंगी और ये केस हार कर भी मैंने जीत लिया है अपनी माँ के लिए। क्या है आगे, थाम लो दिल तेज भागे।